हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल, देर रात की एक खास मुलाकात में मचाई हलचल। सवालों में है दो राजनेताओं की मुलाकात। सवाल है कि क्या रंग दिखाएगी ये मुलाकात, खास मुलाकात का क्या होगा नतीजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्रवार देर रात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा भवन दिल्ली में हुई इस मुलाकात की, जिसमें सीएम के साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा मौजूद थे। दोनों के बीच हुई मुलाकात घंटों चली। इस मुलाकात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर एक कि क्या इनेलो बीजेपी में गठबंधन की तैयारी चल रही है। सवाल नंबर दो कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले अशोक अरोड़ा इनेलो को अलविदा कहने वाले हैं। सवाल नंबर तीन कि क्या अशोक अरोड़ा इनेलो छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हरियाणा की सियासत में इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। वही अशोक अरोड़ा का इस मुलाकात पर क्या कहना है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मिलना जुलना हमारा रक्त है। प्रदेश की सौ समस्याएं, जो कल की मुलाकात है, मैं हरियाणा भवन में गया हुआ था, दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां से उतरा तो मुख्यमंत्री जी मिल गए। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार की, कहने लगे प्रधान जी कैसे आए हो। मैंने कहा शादी में आए हो भाई। उन्होंने कहा चाय पीते हैं, तो चाय पिए। और जब दो रोज राजनेता बैठते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक बातें होती हैं। हालांकि अरोड़ा भाजपा में शामिल होने से इंकार करते हैं, लेकिन गठबंधन के सवाल पर अशोक अरोड़ा ने बड़े सदे हुए शब्दों में ये जरूर बोला कि राजनीति में संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी साफ कहा कि गठबंधन का फैसला लेने का अधिकार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी के शीर्ष नेताओं को है। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन करना चौटाला साहब का काम है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का काम है। अशोक अरोड़ा की जो मुलाकात थी केवल और केवल एक शिष्टाचार के नाते। उधर इस मुलाकात को लेकर इनेलो से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले जेजेपी सांसद दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। मेरे पास उसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। मैंने भी आप जैसे साथियों ने जो अखबार में लिखा उसको पढ़ा, क्योंकि मेरे को दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला और डॉक्टर साहब से मुलाकात का मौका नहीं मिला। अगर कोई ऐसी मुलाकात होगी तो मैं क्लेरिफिकेशन जब ही दे पाऊंगा जब मेरे पास उस चीज पर कोई इनपुट हो। हरियाणा की सियासत में हलचल तेज करने वाली इस मुलाकात पर भले ही इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ कहा हो कि गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने साफ कह दिया है कि इनेलो से किसी तरह का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का नहीं होने वाला, जनता के साथ गठबंधन है। और जब हरियाणा की जनता ने हरियाणा के निर्माण से लेकर के आज तक अगर गैर कांग्रेसी सरकार अपने दम पर बनाई तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। प्योर सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने काम हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में कर दिए उसके आधार पर जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद हम पर है, तो हमें किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। अशोक अरोड़ा की संभावना से इनकार नहीं कहने और सुभाष बराला के गठबंधन से साफ मना कर देने वाले बयान के बाद ये सवाल हरियाणा के हर सियासतदार के साथ साथ राजनीति में रुचि रखने वाले हर खास अहम के जहन में कौंध रहा है कि जब गठबंधन नहीं तो उस घंटों की मुलाकात के मायने क्या है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।